स्वागत है आप सभी का स्टोरी टीवी में। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है भारत की एक स्वदेशी कंपनी पतंजलि। आखिर पतंजलि कंपनी का मालिक कौन है, इस कंपनी का टर्नओवर कितना है, आखिर पतंजलि कंपनी की शुरुआत कैसे हुई थी। तो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरा एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आप अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो एक लाइक कर दीजिए, और इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। कहा जाता है कि स्वस्थ ही जीवन का असली धन है, इसी बात को आधार मानते हुए हमारे पूर्वजों ने एक बेहतर स्वास्थ्य हासिल करने के लिए तरह तरह की खोज की, जिसमें योग और आयुर्वेद प्रमुख है। कहा जाता है कि योग को भारत में पहली बार महर्षि पतंजलि ने ही प्रस्तुत किया था, जिसके बाद यह चीन जापान से होते हुए पूरी दुनिया में फैल गया। लेकिन आज के दौर में पतंजलि एक नाम ही नहीं बल्कि एक ब्रांड बन चुका है। पतंजलि प्रोडक्ट के बारे में हम सभी का अलग अलग राय हो सकता है, पर हम सब एक बात से जरूर सहमत है कि पतंजलि ही एक ऐसा ब्रांड है जो रोजमर्रा की जिंदगी में यूज होने वाली चीजों के मामले में विदेशी कंपनियों को टक्कर दे रहा है। अगर बात करें पतंजलि कंपनी के मालिक के, तो पतंजलि कंपनी का मालिक रामदेव बाबा नहीं है, बल्कि रामदेव बाबा तो सिर्फ ब्रांड एम्बेसडर है और पतंजलि के मालिक बालकृष्ण स्वामी जी हैं। आज पतंजलि ब्रांड से लगभग सभी परिचित है। इस कंपनी की शुरुआत 2006 में की गई थी, लेकिन प्लानिंग 1995 से ही थी। इस कंपनी का टर्नओवर हर साल बढ़ता ही जा रहा है। 2020 में यह कंपनी 25,000 करोड़ का कारोबार की है। इस कंपनी को इतनी ऊंचाई तक पहुंचाने में रामदेव बाबा की सबसे बड़ी योगदान है। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक कीजिए, और आप भी पतंजलि का कोई सामान यूज करते हैं तो कमेंट में बताइए, और इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।